एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट वन। ये वर्कशीट क्या होते हैं? जो चैप्टर आपने किए होते हैं उन्हीं में से ही कुछ कंटेंट को चेंज कर कर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए। आज हम वर्कशीट करते हैं डिस्कस। फर्स्ट वन है राइट द नंबर नेम। नंबर नेम है, अब आपको कैसे पता, ये हमें नंबर दिए होते हैं और नंबर का हमें नेम लिखना होता है, इसे कहते हैं नंबर नेम। देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, तो कितने हो गए? 4 लाख। देखो, जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद। 4,25,732। नेक्स्ट वन देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, तो क्या होगा ये? 7,82,001। ओके, क्योंकि वन है, क्या है ये? वन, तो खाली वन दिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे? वन। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद। 7,15,432। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, ऐसे ही 3,25,742। नेक्स्ट वन देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, 2,35,632। ये कंसेप्ट माइंड में रखना, पहले 3 डिजिट में इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद। ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट इन न्यूमिरल। ये जो हमें नंबर नेम दिया हुआ है उसको हमने न्यूमिरल में लिखना है। न्यूमिरल होता है जो नंबर की फॉर्म में हो, ठीक है, मैथमेटिकल डिजिट के फॉर्म में हो। 6,51,220, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद। ओके, नेक्स्ट वन, 10,03,639। अब आप ये देखो, उसने बोला है 10,03,000। अब आप देखो 3,000 को 03 क्यों लिखोगे? जब आपको टीचर मार्क्स देते हैं, सपोज करो 10 में से 7 आए आपके, तो वो 7 लिखेगी तो आगे क्या लगा देते हैं? 0। ठीक है, जब 17 हो तो ऐसे लिखा जाता है, तो सेम एज इट इज़ 10,03,000 आगे नहीं है ना, हमारे सिर्फ 3 दिया हुआ है, 639। ओके, 18,60,019 हमें नहीं पता ना, हमें यहाँ बोलता 119,290, पर हमें यहाँ बता नहीं कितने 119 है, तो हम सीधा 19 लिखेंगे। और हमें ये नहीं पता ना कितने 19 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। क्या लगा देंगे? 0। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, 92,64,094, क्या है? 92,64,292। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 83,62,683। ये थे क्वेश्चन नंबर वन एंड टू। थर्ड वन इज राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड क्या होता है? उसको एक्सपेंड करना, बताना। देखो, ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड नंबर पे 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 20,000। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, सेवन कौन से नंबर पे? 1,000 पे। कहाँ, किसकी साउंड आ रही है? 1,000 की। अब 7 को 1,000 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 7,000। वंस, टेंस, हंड्रेड, सिक्स कौन से नंबर पे? 100 पे। 6 को 100 से करोगे 600। वंस, टेंस, सेवन पे कौन से साउंड आ रही है? टेंस की। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो 70, और ये हो गया 6। ओके, सेम एज इट इज़ नीचे देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, 5 को 10,000 से करोगे कितना हो जाएगा? 50,000। ये क्या हो जाएगा? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 1 को 1,000 से करो 1,664। देखो, वंस, टेंस, टेंस है, 6 के 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? 60। सेम एज इट इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, तो हम क्या करेंगे? 3 के 10,000 से करेंगे 30,500, ठीक, 5,624। आपको देखना है कि डिजिट पे किसका साउंड आ रहा है। देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, यहाँ पे किसका साउंड? 1,000 प्लेस पे, 10,000 पे, तो 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 10,000 से तो क्या आ जाएगा? 80,000। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 2,000 पे है, 2 को 1,000 से करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2,732। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी करना है। ओके, लास्ट वन है रोमन नंबर।
फोर को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, आई वी, सिक्स को वी आई। थर्ड वन टू थ्री आई आई आई, ठीक है। फिफ्टीन को टेन टेन, ट्वेंटी और फाइव, सॉरी हमें यहाँ क्या लिखना है, फिफ्टीन। तो हम कैसे लिखेंगे, टेन और वी, एक्स और वी, कैसे लिखेंगे, एक्स और वी। सेम एज इट इज सेवनटीन का क्या आएगा, इसी तरह से आपको किसका करना है, सेवनटीन का। सेवनटीन क्या होगा, एक्स वी आई आई, ये टेन फाइव फिफ्टीन टू सेवनटीन। टेन टेन ट्वेंटी और वन, ट्वेंटी वन। टेन टेन ट्वेंटी और थ्री, ट्वेंटी थ्री। फोर्टी सेवन, फोर्टी कैसे लिखते हैं, एक्स एल, फोर्टी सेवन कैसे होगा, वी आई आई। ट्वेंटी फाइव कैसे लिखेंगे, टेन टेन ट्वेंटी और फाइव, ट्वेंटी फाइव। थर्टी थ्री, टेन टेन ट्वेंटी प्लस थर्टी, थर्टी और ये थ्री, थर्टी थ्री। फिफ्टी कैसे लिखते हैं, एल। ट्वेल्व कैसे लिखते हैं, टेन आई आई, मतलब ये क्या होगा, एक्स आई आई। टेन इलेवन ट्वेल्व। ट्वेंटी नाइन कैसे लिखोगे, टेन टेन ट्वेंटी और नाइन, ट्वेंटी नाइन। थर्टी फोर, टेन टेन ट्वेंटी, टेन थर्टी और फोर, थर्टी फोर। एटीन, टेन फाइव फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, और ये क्या होगा, टेन। ये आपको वर्कशीट वन केयरफुली वीडियो वॉच करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।